हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूटीएम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ट्विटर कैंपेन को लेकर। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि लेखपाल के छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए जो है एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा, तो हम उसके बारे में पूरी जानकारी कि उसमें जो है आपको किस हैशटैग का प्रयोग करना है और किस किस को आप मेंशन कर सकते हैं, ये जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो उसके लिए वीडियो को पूरा देखना। लेकिन उससे पहले हम आपसे जो है वो 2 मिनट बात करना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से न्यूज़पेपर में जो है 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों की परीक्षा में शामिल होने की जो बात सामने आई है, तब से जो है वो लेखपाल के सभी छात्र बहुत परेशान हैं। और उसके अगले ही दिन जो न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आयोग के अध्यक्ष ने कहा है कि एसटीएफ के साथ सारी सूचना साझा की जा रही हैं और जो भी जानकारी पुलिस टीम ने मांगी थी वो सब उपलब्ध कराई गई है। हालांकि एसटीएफ ने परीक्षा में बैठे 15,000 टॉपर्स की सूची आयोग से मांगी है और आयोग के द्वारा रिजल्ट जारी कर सूचना सौंपने की बात कही गई है। तो यहाँ पर जो है वो छात्र जो है वो 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थियों की खबर को लेकर जो है चिंतित हैं। और छात्रों का जो है वो कहना है कि अगर जो है आयोग के द्वारा रिजल्ट पहले जारी कर दिया जाता है तो यहाँ पर जो 15,000 संदिग्ध अभ्यर्थी हैं, तो अगर ऐसे में तो डीवी के लिए वही 15,000 में से शॉर्टलिस्ट कर ले जाएंगे, तो यहाँ पर जो है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स तो जो हैं वो पूरी तरीके से कंपटीशन से बाहर हो गए। तो उनके लिए एक राहत की खबर बता दें कि ऐसा नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहाँ पर जो 15,000 संदिग्ध का मतलब है ये नहीं कि 15,000 स्टूडेंट धांधली में शामिल होंगे। यहाँ पर जो संदिग्ध से मतलब है वो है कि इतने छात्र जो हैं वो शक के दायरे में हैं। मतलब जैसे कि फिर वो हो सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो जैसे हो सकता है कि एसटीएफ उन छात्रों को शक के दायरे में लेकर चल रही हो जिनका एग्जाम वहाँ था जहाँ से सॉल्वर गैंग पकड़े गए हैं, या फिर जो कई कॉलेज प्रबंधक भी गिरफ्तार हुए हैं, आपको पता ही होगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सेंटर ऐसे कॉलेजों में हो वो शक के दायरे में रखे गए हों एसटीएफ की तरफ से। अब ये तो जाँच के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि जो सॉल्वर गैंग ने वहाँ से जो 2-4 का ही पेपर कराया था या आंकड़ा इससे कहीं ज़्यादा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जैसा आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इस बात को आप थोड़ा सा समझें। और जो है बाकी यहाँ पर जो बहुत से स्टूडेंट जो दुखी हैं और वो कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट जारी हो गया तो कुछ नहीं होगा, और भी कई सारी भर्तियों का जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो बात नहीं करना चाहेंगे, और तरह तरह के जो है वो री एग्ज़ाम वगैरह की बात कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि री एग्ज़ाम एक सलूशन नहीं है, क्योंकि अगर री एग्ज़ाम चलो आयोग आपकी बात मान भी ले, करा भी देता है, तो इसकी क्या गारंटी है कि फिर से ऐसी जो है कैंडिडेट्स जो धांधली करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि सरकार जो लगातार प्रयास कर रही है ये सब रोकने के लिए, पर ऐसे लोग जो हैं वो कोई ना कोई नया फंडा ढूंढ ही लेते हैं ये सब करने के लिए। चलो कर रही है, तो रही बात री एग्ज़ाम वाली की, री एग्ज़ाम जो है वो एक सही सलूशन नहीं होगा। इसलिए हमें आपको बताना था कि आप सभी की जो परेशानी को देखते हुए एक ट्विटर कैंपेन जो है चलाया जाएगा। हम उसका जो है पूरा आपको बताएंगे यहाँ पर के कैसे क्या, और ये जो पहल है उसको है वो रोजगार विद अंकित RW के जो अंकित सर हैं, अंकित भाटी सर, उनकी तरफ से की गई है छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए। तो फ्रेंड, ट्विटर कैंपेन के बारे में बात करने से पहले, तो फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं कि यूट्यूब पर एक कम्युनिटी टैग होता है जिस पर कि जो है अगर कोई इम्पोर्टेंट अपडेट होता है तो वीडियो बनाने से पहले ही, या फिर जो कोई पोल क्रिएट करना होता है या कोई आपका सजेशन वगैरह मांगना होता है तो हम लोग जो है उस पर आपकी जो है वो सजेशन वगैरह ले सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो है हमें अभी कम्युनिटी टैब नहीं मिला है, क्योंकि उसके लिए कुछ सब्सक्राइबर काउंट होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि हमें कम्युनिटी टैब मिल सके और हम आपकी जो है हर एक संभव जो है मदद कर सकें। तो फ्रेंड्स, चलो पॉइंट पर चलते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये ट्विटर कैंपेन जो है एक बेस्ट तरीका है अपनी बात जो है शांतिपूर्ण और सभ्य तरीके से सरकार तक पहुँचाने के लिए। और अगर आप वास्तव में एक ट्रांसपेरेंसी के साथ भर्ती चाहते हैं और आप चाहते हैं कि संदिग्ध अभ्यर्थी जो भी धांधली में शामिल हैं उन पर कार्रवाई की जाए, तो आपके चाहे कितने भी मार्क्स बन रहे हैं या ज़्यादा हैं या कम हैं उससे कोई मैटर नहीं करता। तो जो ट्विटर कैंपेन की जो डेट रखी गई है वो है 2 अक्टूबर 2022, और जो टाइम है वो है सुबह 9 बजे। तो आप सभी 2 अक्टूबर को सुबह 9 बजे एक साथ ट्वीट जरूर करें, जिससे कि अगर आपके जो है वो ट्वीट ट्रेंड कर गए तो आपकी और हमारी बात जो है सरकार तक पहुँच सकती है, और हमें जो पूरा भरोसा है कि सरकार ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी। तो जो ट्विटर कैंपेन है उसका हैशटैग रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, #arrest_15000scammers_in_UP_lekhpal, यानी कि ये जो है सारे कैपिटल्स लेटर्स में है और जो स्पेलिंग वगैरह आप सही से चेक कर सकते हैं, और ये जो है डैश नहीं है यहाँ पर, ये अंडर स्लैश बना हुआ है। तो इसी तरीके से आप जो है वो हैशटैग लगा सकते हैं और आप जो है मेंशन कर सकते हैं इसमें वो यूपी गवर्नमेंट को, जिनके ये हमने जो दिया हुआ है @UPGOVT और @MyYogiAdityanath, स्पेलिंग वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ से, और @CMOOfficeUP, और यहाँ पे आप जो है जैसा कि आप पता है कि जो STF भी लगी हुई है पूरी तरीके से, तो उनको भी आप यहाँ पर जो है
मेंशन कर सकते हैं उनके जो डीजीपी यूपी हैं और यूपी पुलिस को है। तो फ्रेंड्स, यही एकमात्र आप सभी की जो है परेशानी का हल है कि आप सभी सभ्यता के साथ किसी के खिलाफ कोई गलत वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेगा और अपनी बात जो है वो सरकार तक रख सकते हैं ट्विटर के माध्यम से। तो आप सभी 2 अक्टूबर 9 बजे सभी साथी जो है एक साथ ट्वीट जरूर करें, जिससे कि हमारे ट्वीट ट्रेंड कर जाएं और जो है वो हमारी आवाज़ जो है सरकार तक पहुंचे और सरकार हमारी जो है मदद करे। तो दोस्तों, यही अपडेट देनी थी आपसे। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें कम्युनिटी टैब जल्दी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।